जमीन का विवाद और कत्लेआम सरेआम हुआ। एक जगह 3 लाशें गिरी और पूरा गांव बवाली हो गया। हर तरफ तबाही का मंजर था। मानो जमीन का विवाद नहीं, गांव में भूकंप के बाद बड़ी तबाही आई हो। तबाही से कम नहीं ये तस्वीर। गांव में सरेआम हुआ कत्ल। कहीं लाशें पड़ी थी तो कहीं लोग कराह रहे थे। किए जाने की बात प्रारंभिक तौर पर सामने आ रही है। थोड़ा साइड में जाओ। आपसी जमीन का लेके विवाद था। किसी को सहारे की जरूरत थी तो कोई सहारे के बाद भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। हर तरफ बस खलबली मची थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। मानो गांव में बड़ी त्रासदी आई हो और लोग अपनी जान बचाने में जुटे थे। लेकिन फिर भी 3 लाशें तो गांव में गिर ही गईं। जमीन विवाद बनी बड़ी आफत। एक गांव में हुए 3 मर्डर। मिर्ता सिटी के डांगावास गांव में जमीन का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों तरफ से इस कदर कोहराम मचाया गया कि गांव के 3 लोग मारे गए। हालात इतने खौफनाक थे कि लाशें ज्यों की त्यों पड़ी थी और लोग इधर से उधर भाग रहे थे। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोग महिलाओं तक को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे थे। एसएल की टीम बुलाई है, एमओबी की टीम आई हुई है और मुल्कीमान के जो दस्तियाबी के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। करीब 10 SHO बुलाए गए हैं और SHO अलग अलग जगह रेड देके मुल्कीमान की दस्तियाबी की तैयारी कर रहे हैं। इसमें किस तरह की मॉडस ऑपरेंडी सामने आ रही है? किस तरह की हत्या किए जाने की बात प्रारंभिक तौर पर सामने आ रही है? थोड़ा साइड में जा रहा हूं। आपसी जमीन का लेके विवाद था। जमीन बाकी है। शुरुआत में पूरा विवाद जुबानी चल रहा था और बात बढ़ी तो एक पक्ष ने ताव में आकर फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद तो दूसरे पक्ष की तरफ से कोहराम मचा दिया गया। महिलाओं और पुरुषों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जिसके बाद 2 और लोगों की मौत हो गई। जमीन विवाद में 13 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। हालात इतने खराब हुए कि पुलिस की मौजूदगी में भी कोहराम मचता रहा। मामला शांत हुआ तो घायलों को पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। किए जाने की बात प्रारंभिक तौर पर सामने आ रही है। थोड़ा साइड में जा रहा हूं। आपसी जमीन का लेके विवाद था। लेकिन इतने लोग घायल हुए थे कि लोगों के इलाज के लिए बेड कम पड़ गए। प्राथमिक इलाज के बाद भी करीब 7 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें अजमेर रेफर किया गया है। तो वहीं SDM सोहन लाल और पुलिस उपाधीक्षक पूना राम डूडी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। फसाद आगे और ना बढ़े, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है। मिर्ता सिटी से सुशील देवाकर के साथ क्राइम डेस्क समाचार प्लस। मिर्ता सिटी में कत्लेआम हुआ तो कोटा में नाबालिग की घर में ही हत्या कर दी गई। मासूम दिमागी तौर पर कमजोर थी। शुरुआती तफ्तीश में माना जा रहा है कि मासूम से दुष्कर्म करने की कोशिश की गई थी और विरोध करने पर उसे फना कर दिया गया। लेकिन सवाल है कि क्या अब घर भी महफूज नहीं रहा? कितना सुरक्षित है अपना घर? मासूम का घर में मर्डर। महिलाओं और लड़कियों को शायद आज भी सिर्फ भोग का सामान समझा जाता है। एनकाउंटर की एक खबर कोटा से है। वो लड़की नाबालिग थी लेकिन अब दुनिया में नहीं है। लेकिन उसे मौत के घाट उतारने से पहले उसका जो हश्र किया गया उसे बयां करते हुए भी रूह कांप उठती है। नाबालिग बच्ची के साथ रेप की कोशिश, विरोध करने पर किया गया मर्डर। दिमागी तौर पर कमजोर थी मासूम। हर खौफ इस वारदात के सामने कम खौफनाक लगेगा।
जिस हकीकत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो बेहद गंदी और डरावनी है। जितनी डरावनी उतने ही सवाल, लेकिन जितनी बार सवाल के जवाब मांगो उतने सवाल फिर खड़े हो जाते हैं। यकीन मानिए, हमारी इस खबर को देखने के बाद आप भी यही सोचेंगे, इससे ज्यादा बेरहम और कुछ नहीं हो सकता। हमारा दावा है, इस खबर को देखने के बाद आपकी रगों में दौड़ रहा खून खौल उठेगा। इस खबर को बताने से पहले हम आपको जरा ये बता दें कि जिस मासूम की खबर का ब्यौरा हम आपको बताने जा रहे हैं वो नाबालिग दिमागी तौर पर कमजोर थी। लोगों को पहचानने की क्षमता उसमें बाकी बच्चों से कम थी, लेकिन उस दरिंदे को शायद मासूम की कमजोरी पर भी तरस नहीं आया। ये घर में कल रहती है तो दिन में शायद कोई मौका देख करके कोई घर में घुसा है, सिर में चोट लगी हुई है, पोस्टमार्टम रूम में है, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम क्या रिपोर्ट आती है उसके बाद पूछताछ कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, रिश्तेदार में पूछताछ कर रहे हैं। नहीं अभी तक ऐसे आई नहीं, लेकिन पोस्टमार्टम आ रहा है। कोटा के नयापुरा इलाके में एक मंद बुद्धि किशोरी की लाश उसी के घर से मिली। पुलिस की माने तो हत्या के पीछे रेप का इरादा हो सकता है, हालांकि इस बात को पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है। पुलिस की माने तो बाकी की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी, लेकिन सवाल है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर रेप की पुष्टि हो भी जाती हो तो मासूम के गुनहगारों का सुराग कैसे मिलेगा। घर में कल रहती है तो दिन में शायद कोई मौका देख करके कोई घर में घुसा है, सिर में चोट लगी हुई है, पोस्टमार्टम रूम में है, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम क्या रिपोर्ट आती है उसके बाद पूछताछ कर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में पूछताछ कर रहे हैं, रिश्तेदार में पूछताछ कर रहे हैं। नहीं अभी तक ऐसे आई नहीं, लेकिन पोस्टमार्टम आ रहा है। पूरा वाकया कोटा के इस्माइल चौक का है। नाबालिग अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन उस रोज परिवार के लोग अपनी लाडली को घर में अकेला छोड़कर चले गए। इस दौरान किसी ने किशोरी की धारदार हथियार और पत्थर से हत्या कर दी। परिवार के लोग जब घर लौटे तो वारदात का पता चला। घर पर पुलिस आई और मौका वारदात का मुआयना कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस शक के आधार पर जाँच कर रही है। कोटा से नितिन शर्मा के साथ क्राइम डेस्क समाचार प्लस। अब रिश्तेदार ही आबरू को रौंदने लगे हैं, घर ही दरिंदों का पनाहगाह बनता जा रहा है। चुरू थाने में एक साथ दो रेप की खबरें दर्ज की गई हैं। रतनगर की रहने वाली विवाहिता ने अपनी इज्जत लूटने का इल्जाम ससुर पर लगाया, तो करणपुरा गांव की विवाहिता की इज्जत बंधक बनाकर लूट ली गई। एक शहर में दो रेप, अपनों ने किया शर्मसार। महिला ने अपने ससुर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। मामला दर्ज कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें। ये तस्वीरें हमारे समाज के उस सौंदर्य बोध को सदमा पहुंचाती हैं, जिसे कभी हमारे महापुरुषों ने सच्चाई के खून पसीने से सींचा था। ये तस्वीरें हैं चालाकी, धूर्तता और कायरता की, जिसके जरिए कुछ हैवानों ने विवाहिता के शरीर की आत्मा का रस पूरी तरह से निचोड़ लिया, जिसके बारे में सब जानते हैं। पटवारी से लेकर पुलिस तक, मुखिया से लेकर कलेक्टर तक, सरपंच से लेकर सरकार तक और समाज से लेकर संविधान तक। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे मर्द अपने विशेषाधिकार के विस्तृत दायरे में एक औरत को जानवर के समान पालतू समझता है। गांव को एक अलग को नाके को
और उसे जब चाहे अपनी खूंखार पिपासा को पूरा करने के लिए आजमा लेता है। और ये तस्वीरें हैं इस देश की आधी आबादी की, जिसे एक मर्द अपनी जरूरत के हिसाब से जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे जलील करता है। चुरू थाने में रेप के दो मामले दर्ज हुए। रतन नगर की विवाहिता ने अपने ससुर पर ही रेप का आरोप लगाया है। एक रेप रतन नगर में हुआ तो दूसरा रेप करणपुरा गांव में किया गया। मेरे ससुर मेरे साथ गद्दे काम करे, मेरे साथ जबरदस्ती करी, गद्दे काम करे। घर में घुसकर विवाहिता को बंधक बनाकर जोर आजमाइश के जरिए रेप किया गया। दोनों ही मामले में महिला थाने में मामला दर्ज किया गया है। एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। निवासी रत्नगर को गिरफ्तार किया गया है। कल लोग प्रकरण दर्ज किया था, उसी में गिरफ्तार किया है। आज मेडिकल करवा दिया है, पूछताछ करके न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसी प्रकार 26 नंबर मुकदमे में निहाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जिसका भी आज मेडिकल मुआयना करवा दिया गया है और न्यायालय में पेश कर दिया। क्या इनके आरोप क्या लगा था? और दुष्कर्म के दोनों में दुष्कर्म के आरोप हैं। एक पर उम्मीद जहाँ पर उसकी बेटे की बहू में आरोप लगाए हैं, जो प्रमाणित पाए गए हैं। और निहाल सिंह पर एक मंजू कौर नाम की लड़की ने आरोप लगाया, उसे मौके से ही पकड़ा गया था। उसको भी आज गिरफ्तार कर अधिकारी आज न्यायालय पेश करेंगे। दोनों ही केस में पीड़ित का मेडिकल टेस्ट कराया गया है और आगे की कार्रवाई की गई है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला सवाल ये है कि दोनों केस में विवाहिता के साथ रेप का मामला सामने आया है। एक केस में ससुर आरोपी है तो दूसरे केस में परिचित ही आबरू का लुटेरा है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब महिला घर में भी महफूज नहीं? चुरू से विजय चौहान के साथ क्राइम डेस्क समाचार प्लस। श्रीगंगानगर में 85 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। बुजुर्ग की हत्या का शक दामाद पर था, पर पुलिस ने तसल्ली से तफ्तीश की तो गुनाहगार जीजा साले निकले। दोनों को शराब पीने की लत लगी थी। उनकी यह लत इतनी गंदी थी कि वो हत्या करने से भी नहीं हिचके। श्रीगंगानगर में दो दिन पहले हुई बुजुर्ग की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया है। वारदात के बाद से गांव के लोग बुजुर्ग के दामाद पर हत्या का शक जता रहे थे। वारदात के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो दामाद तो शक के दायरे से बाहर आ गया, लेकिन दूर का रिश्तेदार पूरे मामले में पकड़ा गया। दो शख्स जो बुजुर्ग के दूर के रिश्तेदार थे और आपस में जीजा साले, जिन्हें शराब पीने की गंदी लत लगी थी, बुजुर्ग के घर में चोरी के मकसद से दाखिल हुए। एक सीनियर सिटीजन थे, अकेले घर पे रहते थे, तो इनके मर्डर सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। हमने टीम गठित की थी, पुलिस अधीक्षक के आदेश से हमने टीम गठित की थी और उन टीमों को हमने बांट दिया था। और क्योंकि इनमें परिवार वालों का नाम आ रहा था, क्योंकि ये अकेले व्यक्ति थे, वृद्ध व्यक्ति थे, इनके घर किसी का आना जाना नहीं था, और जिस तरह के घर में हमें हालात मिले थे और जो साक्ष्य मिले थे, उससे हमें यही लग रहा था कि ये किसी घर के रिश्तेदार का ही इसमें हाथ हो सकता है। इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए हमने फिर आसपास के लोगों से और पूछताछ करते हुए मुखबिर की सूचना के द्वारा हमें दो नशेड़ियों पे शक हुआ था और उसके बाद बुजुर्ग का गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस गिरफ्त में खड़े इन दोनों आरोपियों को देखिए। इन्हें श्रीगंगानगर की कोतवाली थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नारायण दास और करण सिंह नाम के ये दोनों आरोपी 85 साल के बुजुर्ग के रिश्तेदार हैं, लेकिन शराब की गंदी लत ने इन्हें कातिल तक बना दिया। दोनों आरोपी रिश्ते में जीजा साले हैं, आदतन साथ में शराब पीते हैं। नशे में रहना इन्हें अच्छा लगता है और जब शराब नहीं खरीद पाते हैं तो पैसों का जुगाड़ करने लगते हैं, लेकिन शराब के लिए अपने ही बुजुर्ग रिश्तेदार की हत्या कर देंगे
किसी को अंदाजा भी नहीं था। तो उनमें से एक इनका रिश्तेदार निकला, जिनको आज सुबह हमने गिरफ्तार किया और जिन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। वजह जैसे ये स्मैक का नशा करते थे और इनके ये अकेले रहते थे विद, तो इनको ये था कि इनके पास से इन्हें कुछ मिल सकता है, पैसे जेवर, जो कि सभी रिश्तेदारों को पता था कि ये घर पे ही रखते हैं, इस कारण से यहाँ गए थे। पर क्योंकि इन्हें अलमारी की चाबी नहीं मिली और ये सफल नहीं हो पाए, तो इन्होंने घर की साइकिल, उनका मोबाइल और जेब में कुछ 40-50 रुपए थे वो चुरा के ये वहाँ से उनका कत्ल करके भाग गए। श्रीगंगानगर सीओ सिटी राशि डोगरा के मुताबिक दोनों आरोपी दो दिन पहले विनोबा बस्ती में रहने वाले हरदयाल सिंह के घर चोरी के इरादे से दाखिल हुए। करीब 85 साल के हरदयाल सिंह अपने घर में अकेले ही रहते थे, लिहाजा इन लोगों को उम्मीद थी कि इस घर में काफी कुछ गहने या नकदी मिल सकता है, लेकिन कमरे में रखी अलमारी की चाबी नहीं मिलने पर इन्होंने हरदयाल सिंह पर चाकू से वार कर दिया, जिससे हरदयाल सिंह की वहीं पर मौत हो गई। बाद में दोनों आरोपी घर से 40,000 रुपए और साइकिल लेकर फरार हो गए। श्रीगंगानगर से सुनील सिडाना के साथ क्राइम डेस्क समाचार प्लस।